चैनल में मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बी रेडी फॉर सडन एंड इंटेंस शिफ्ट इन एनर्जी ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स की इंटेंस एनर्जी को ट्विन फ्लेम पर इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है पर्सनल लेवल इमोशनल लेवल जिसको आप फील करेंगे आप सभी फील करेंगे जिस एनर्जी में आप रहेंगे उसको हाइटेंड करेगा ये जो शिफ्ट हुआ है जो लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून जो है ये लूनर एक्लिप्स अगर जो इसमें जो शिफ्टिंग आप फील करेंगे उसके बारे में ये वीडियो आज की है अगर आप हैप्पी मूड में रहेंगे तो और ज्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे और अगर आपकी मूड स्विंग हो रही है तो वो भी और ज्यादा आपको परेशान कर सकती है वहीं कुछ ट्विनफ्लेम की एनर्जी लूनर एक्लिप्स और फुल मून के बाद ऑटोमेटिक बोल्डनेस आप फील करेंगे एक करेजियस एक्शन लेना अब आपके लिए आसान होगा ऑबस्टिकल्स या चैलेंजेस फेस करना अब उतना मुश्किल नहीं होगा डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे पर बैलेंस रखना बहुत जरूरी होगा इस वक्त रैश डिसीजन अभी बिल्कुल ना लें स्टेइंग ग्राउंडेड स्टेइंग ग्राउंडिंग इज असेंशियल फॉर दिस जर्नी अननेसरी लड़ाई झगड़ों से बचे तभी आप अपना इनर स्ट्रेंथ बैलेंस में रख सकते हैं लाइफ में बोल्डनेस के साथ साथ पेशेंस की भी जरूरत होती है राइट right? स्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है कुछ टू की एनर्जी जगलिंग करती हुई रिसीव हो रही है आप फिक्स नहीं कर पा रहे होंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है किस राह पर चलना है यू फाइंड योर्स जगलिंग मल्टीपल इंटरेस्ट एंड आपको आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर ले जाएगा ये फुल मून और अगर आप जगल भी कर रहे हैं ना तो सबसे पहले शांत होकर मेडिटेशन करके भले ही वो 10 से 15 मिनट का हो 5 मिनट का हो उसके बाद डिसीजन लें तो वो करेक्ट डिसीजन होगा ये फुल मून के बाद का समय जो रहेगा उस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी यू कंसीडर टू अलाउ अलाइन योर इन वर्ल्ड विथ योर एक्सटर्नल एक्शंस अब जो एनर्जी है एक सिंगल डिसीजन एक सिंगल डिसीजन आपकी बहुत ध्यान से सुने एक सिंगल डिसीजन आपकी किस्मत कंप्लीटली चेंज कर सकता है देर इज ए मासेव एनर्जी शिफ्ट लाइक नेवर बिफोर डीएनए एक्टिवेशन से लेकर कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस तक पहुंचने लाइट कोड एक्टिवेशन से लेकर आपको हीलिंग एनर्जी भी रिसीव होगी यूनिवर्स की तरफ से इट ऑल्सो एक्टिवेट्स योर हायर सेल्फ गाइडिंग यू ऑन दिस जर्नी यू आप अपने ही अपने ही से अब आप देखेंगे कि ये जर्नी कैसे आगे बढ़ती जा रही है एक सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे आप कुछ ट्रिनफ्लेम्स की एनर्जी में प्लेस शिफ्टिंग की रिसीव हो रही है प्लेस चेंज सिटी चेंज या फिर कंट्री भी हो सकता है चेंज हो लाइफ के कुछ चैप्टर्स एंड हो रहे हैं डिवाइन फेवलिन के एनर्जी की बात की जाए तो तीन कैटेगरी में मैं इसे देख पा रही हूँ एक वो डिवाइन फेमिनिन है जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन का वेट कर रहे हैं और वेटिंग एनर्जी में रहते हुए जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं दूसरी वो कैटेगरी में डिवाइन फेमिनिन है जो अपने सोल को हायर लेवल तक ले जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं और तीसरी कैटेगरी में वो डिवाइन फेमिनिन है जिन्होंने इस जर्नी में रीयूनियन अचीव कर लिया और अब उन्हें अपना सोल पर्पज़ करना है इसमें कुछ हीलर्स लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुल की एनर्जी सेंसिटिव बनी हुई है सडन आउटबर्स्ट या अचानक से मन उदास हो सकता है डिवाइन का पर्टिकुलर कुछ चैलेंजेस डिवाइन मैस्कुल के लाइफ में अचानक से आ गए या आएंगे जो उनके लिए किसी पजल सॉल्व से कम नहीं होगा डिवाइन मैस्कुलसिंग अ पीरियड ऑफ टेम्पररी लॉस और सेटबैक ये ऐसे डिवाइन मैस्कुल हो सकते हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली डिवाइन की तरफ से दिए गए गाइडेंस को इग्नोर किया और इस जर्नी को अपने डिवाइन फेमरिन को स्परिचुअल spiritual, स्परिचुअलिटी को और सोल को अपने ही सोल को समझने में वो नाकाम रहे अपने डिवाइन फेमरिन को सोल लेबल से भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए ये वो डिवाइन मैस्कुलिन है ये वो डिवाइन मैस्कुलिन होंगे जिन्हें डिवाइन सोल, परिचुअलिटी जैसी बातें समझ नहीं आती या इंटरेस्ट नहीं लेते समझने में ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन का ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को समझाने के लिए डिवाइन के पास अलग तरीके होते हैं एक वो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं जो इस जर्नी को समझते हैं भले ही खुलकर एक्सप्रेस ना कर पाए पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है देयर इज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड वहीं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन स्टवर्न होते हैं दे हैव टू फेस बैड लक इन अज देव टू फेस चैलेंजेस इवेंट्स डिवाइन मैस्कुलिन को अब यह फेस करना होगा बिना किसी क्लू के नेगेटिव सिचुएशंस डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आते जाएंगे और ये तब तक होता है तब तक होता रहता है तब तक होता रहेगा जब तक डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअलिटी को इम्ब्रेस नहीं कर लेते और ये शिफ्ट ये पावरफुल शिफ्ट आप में और डिवाइन मैस्कुलिन में दोनों में दोनों ही एनर्जी में देखी जाएगी इस जो लूनर इक्लिप्स और फुल मून के बाद जो कि कल से आप इसे फील कर पाएंगे एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो दो पॉइंट का ध्यान रखना होगा नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, नेचर के पास जाएं, प्रकृति में अपने प्रकृति को अपने साथ अपने साथ जोड़ें प्रकृति के साथ खुद को जोड़ें नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। और एक और चीज़ करें किसी पावरफुल मंत्रा की चैंटिंग करते रहें क्योंकि तो तीन से चार दिन कोई भी ऐसा इंटेंस डिसीजन ना ले जिससे आपको नुकसान हो तीन से चार दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिंदगी में जो आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिया और उस डिसीजन से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सिंगल डिसीजन से आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई और डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अब सीरीज़ में नेगेटिव जो इवेंट्स हैं वो लगातार सुनने को मिलेगा हार्डशिप्स से वो गुजरेंगे अगर डिस्किन नेचर के हैं या मैट्रिक स्ट्री फ्लेम है तो, तो ये रहेगी ओवरऑल इम्पैक्ट फुलमून एंड लूनर एक्लिप्स की तो उसके इसके साथ ही साथ ये जो चैनलिंग है यहीं पर एंड हो रहा है पर अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और ये ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ध्यान में ये रखना होगा कि क्या आप टू फ्लेम है ये कंफर्मेशन अगर अगर आप कंफर्म है तो इन वर्क से रिलेटेड गाइडेंस और इसके साथ ही साथ आपकी जर्नी कब तक अब तक कहाँ तक पहुंची है या सेम अभी किस स्टाटा में है या स्टक क्यों पड़ी है जर्नी और अगर करियर रिलेटेड या कोई भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड अगर रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी पर्सनल सेशन अवेलेबल है और वो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी ओम नमः शिवाय